आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विलयन लेसन का अध्ययन करेंगे। क्या होता है विलयन? क्या है विलयन? यह कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मतलब होता है कि यदि दो घटकों को हम मिलाते हैं तो दोनों की जो भौतिक अवस्थाएँ हैं एक समान हो जाए तो उसको समांगी कहते हैं। जैसे किसी द्रव में किसी ठोस को घोलते हैं तो वह ठोस घूल करके द्रव अवस्था में आ जाए या वह द्रव ही ठोस अवस्था में बदल जाए, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। जब विलयन दो भागों से बना होता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो द्विअंगी विलयन में क्या होता है भाई? तो द्विअंगी विलयन में एक घटक होता है जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में पाई जाती है उसको विलेय कहते हैं और विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में पाई जाती है उसको हम विलायक कहते हैं। तो विलयन के दो घटक हो जाएंगे, विलेय और विलायक। सॉल्यूट सॉल्वेंट। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में पाया जाता हो उसे क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या है? विलायक। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा क्या हो अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं।